नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजधानी भोपाल से मिल रही है। निकाय से पहले हो सकते हैं पंचायत चुनाव। 20 मार्च से आचार संहिता भी लग सकती है। 11 जिलों की 51 ग्राम पंचायतों की सूची जारी की गई है। निकाय से पहले पंचायत चुनाव हो सकते हैं। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, निकाय से पहले पंचायत चुनाव हो सकते हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 20 मार्च से आचार संहिता भी लग सकती है, इसके बारे में क्या कुछ अधिक जानकारी मिली है? देखिए रितु, चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। ये चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे जी। पहले जिला जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव ईवीएम मशीन से कराया जाएगा जी। जबकि सरपंच पंच का चुनाव परंपरागत मत पत्रों से होगा। आयोग ने विकास खंडवार चुनाव कार्यक्रम तय कर कलेक्टरों को भेज दिया है ताकि वो परीक्षण कर संशोधित प्रस्तावित कर सके। सभी जिलों से प्रस्तावित संशोधन और सारी जानकारी 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से भेजने को कहा है। बीजेपी हालांकि चाहती है कि नगरीय निकाय के चुनाव टाल दिए जाए और जुलाई अगस्त में कराए जाएं, उसके पहले पंचायत चुनाव करा लिए जाए। पहले सारे चुनाव टालने की तैयारी थी लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगरीय निकाय चुनाव कराना जरूरी है, इसलिए सरकार पंचायत के चुनाव पहले करवा सकती है ताकि कोर्ट के निर्देशों का भी पालन हो जाए और निकाय चुनाव के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। निकाय चुनाव से ऐसा ही है कि जो 16 नगर निगम है वो बीजेपी के पिछली बार 16 के 16 जगह महापौर थे, तो बीजेपी चाहती है कि इस प्रदर्शन को वो दोहराए और इसके लिए उसको समय चाहिए। इसके साथ ये भी कि पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी वहां लगी हुई है, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां प्रचार करने जा चुके हैं, अरविंद भदौरिया हो, विश्वास सारंग हो, ऐसे कई नेताओं की ड्यूटी वहां लगी है। तो बीजेपी चाहती है ये सारे नेता फ्री हो जाए इसके बाद निकाय चुनाव कराए जाए, इसीलिए इन 3 चरणों पंचायत चुनाव के कराने की तैयारी हो रही है जी। ठीक है मनोज जी, बने रहेगा आपके पास फिर लौटेंगे। तो निकाय से पहले पंचायत चुनाव होंगे और निकाय चुनाव जो होंगे जुलाई अगस्त में हो सकते हैं, वहीं 20 मार्च से आचार संहिता भी लगनी है। 3 स्टेज में चुनाव किए जाएंगे, साथ ही हाई कोर्ट के आदेश का अवहेलना ना हो इसलिए मार्च में पंचायत चुनाव होंगे और 11 जिलों की 51 ग्राम पंचायतों की सूची जारी कर दी गई है।